مركز العلوم والحكم للدعوة والإرشاد. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولا تحنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. تمام قسم کی تعریفیں वो बड़ाई वो किबरियाई वो अज़मत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जो हमारा हकीक़ मालिक है, हकीक़ खालिक है, हकीक़ मुदब्बिर है। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्हें अल्लाह ताला ने सारे कायनात के लिए रहमत बनाकर मबूस किया। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जिस तरह हमें इस मुबारक मजलिस में जमा किया है, इन मुबारक रातों में जमा करते हुए आ रहा है, इसी तरीके से हमें जन्नतुल फिरदौस में जमा करें। आमीन या रब्बल आलमीन। अजीज दोस्तों, प्यारे साथियों, माओ बहनों और ख्वातीन इस्लाम, जब आदमी तारीख का मुताला करता है, दुनिया की हिस्ट्री पढ़ता है, जितना गहराई में वो पहुंचता है उतना ही उसका ईमान पुख्ता हो जाता है कि ये दुनिया की तारीख सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की तारीख है। ये दुनिया की तारीख हमको चाहे जो भी बताए, लेकिन हकीकत ये कहती है कि जो तारीख दुनिया की है वो तारीख मुसलमानों की है। दुनिया की कोई ऐसी ज़मीन नहीं जहां मुसलमान नहीं पहुंचे, दुनिया की कोई ऐसी ज़मीन नहीं जहां मुसलमानों ने हुकूमत नहीं किया। ये अलग बात है कि तारीख के चोरों ने, धोखेबाजों ने, फरेब देने वालों ने मुसलमानों को हमेशा से धोखा दिया। जैसे उन्होंने किताबें लिखी और उन किताबों की बुनियाद मुसलमानों ने जो किताबें लिखी उसे उन्होंने बनाया, और किताबें लिखने के बाद उन्होंने मुसलमानों के नामों को डिलीट कर दिया बस, और तमाम उलूम तमाम मालूमात मुसलमानों की किताबों से नकल करते हैं और ये कहते हैं कि ये इनके डिस्कवरीज हैं, ये इनके इन्वेंशंस हैं। इसकी मिसालें मैंने आपको बारहा दी है, बहुत सारी इसकी मिसालें हैं। आप चाहे जो भी मैदान उठा लीजिए, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को किताब व सुन्नत की बरकत की वजह से जहनों को इतना खोल दिया कि हर मैदान में इन्होंने नई नई बातें ईजाद की, नई नई इन्वेंशंस किए, दुनिया को तरक्की की राह में डाला। वैसे मेरे दोस्तों, ये तारीख के चोरों ने मुसलमानों की तारीख इतनी छुपाई कि उसमें से बहुत बड़ी मिसाल हमको ये अमेरिका के डिस्कवरी है। अमेरिका के ताल्लुक से जब भी हम सुनते हैं और हमारे मदारिस में, हमारे स्कूल्स में ये तालीम दी जाती है, और ये तालीम देकर ये बताते हैं कि देखो कि यूरोप कंट्रीज कितने मजबूत हैं, इनकी कितनी तरक्की है, देखिए कि इन्होंने एक नई बस्ती इन्होंने फाइंड आउट कर ली, एक नई जमीन को इन्होंने दरियाफ्त कर लिया, नई बस्ती का खोज इन्होंने किया और वो बस्ती को दोबारा, उस बस्ती को दुनिया के मैप में दाखिल किया, जबकि इससे पहले ये बस्ती क्या थी, कुछ भी नहीं थी। वहां पर जंगली रहते थे, लोग नहीं रहते थे, उनके पास कोई तहजीब नहीं थी, वहां के लोग मार खाना और आपस में झगड़ना बिल्कुल बद्दू किस्म के, बिल्कुल जंगली किस्म के लोग रहा करते थे। वहां यूरोप के लोग गए, वहां उन्होंने बस्तियां बनाई, तरक्की करी, तरक्की किया, और उसके बाद वहां के लोगों को
انسان بنایا، یہی تاریخ ہم کو سنائی جاتی ہے اور یہ بطور یقین ہمارے دلوں کے اندر گہرائی میں ڈالتی جاتی ہے. اور جب بھی امریکہ کی ڈسکوری کی بات آتی ہے تو 1492 عیسوی 1492 CE یعنی کرسچین ایرا، یہ تاریخ میرے دوستوں ہمارے ذہنوں میں آ جاتا ہے اور ہم کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ یہ وہ تاریخ ہے جس میں کرسٹوفر کولمبس نے امریکہ کو دریافت کیا. کرسٹوفر کولمبس نے امریکہ کو دریافت کیا اور یہ کہانی سنائی جاتی ہے. میرے دوستو یہ ایسی کہانی ہے، اس میں سمجھیے کہ ساری دنیا اتفاق کرتی ہے. اس کے خلاف آپ اگر کچھ کہیں گے تو آپ کو کہیں گے کہ آپ غلط ہیں، ہے نا؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا، آخر زمانے میں جھوٹے کو سچا کہا جائے گا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا. اس کی زندگی مثال ہے میرے دوست. جب آپ صحیح تاریخ اٹھا کر رکھتے ہیں، آپ دیکھیں گے دلائل کی روشنی میں کہ مسلمانوں نے کیا کچھ نہیں کیا. مسلمان وہ ہیں جنہوں نے اس بستی کو دریافت کیا، لیکن یہ بات ان کے دلوں کی گہرائی میں اتری ہوئی ہے. یہ بات گویا کہ انکار ہی نہیں کر سکتے کہ امریکہ کو ڈسکور کرنے والا کولمبس ہی ہے. اس کے علاوہ کوئی ڈسکور نہیں کیا، اس کے علاوہ کسی دوسرے نے اس کی دریافت نہیں کی. دلوں کی گہرائی میں یقینی طور پر مانتے ہیں میرے دوستو. 1492 میں کہتے ہیں کہ کرسٹوفر کولمبس وہ پورچگیز کے ساحلوں سے نکلا اور اس نے تقریباً 40 دن کا سفر کیا، اور وہ سفر کرنے کے لیے اس وجہ سے نکلا کہ ہندوستان دریافت کر لیں. کسے دریافت کر لیں؟ ہندوستان دریافت کر لیں، کیونکہ اس زمانے میں اسپین کے اس طرف، ہے نا، آپ نارتھ افریقہ آئیں گے، میڈیٹیرین سی آئیں گے، دوسرے علاقوں میں آئیں گے، یہاں پر خلافت عثمانیہ تھی. یہاں پر دریا کے راستے سے، سمندر کے راستے سے ہندوستان جانا ممکن نہیں ہے. اور یہ ہندوستان کس وجہ سے جانا چاہتے تھے؟ تاکہ تجارت مضبوط کریں، مسالوں کا تجارت کریں، ہے نا. اس زمانے میں یورپ والے مسالوں کے طلبگار تھے، محتاج تھے، تو مسالوں کی دریافت کرنے کے لیے وہاں سے نکلتے تھے تاکہ ہندوستان مل جائے. تو یہ کرسٹوفر کولمبس کو سپانسر کی ایک عورت جس کا نام تھا ایسابیلا، اسپین کی ایک کنگ تھی. اس کا نام کیا تھا؟ اسپین کی ایک کنگ تھی. اگر میں کوئی سیریز جس میں گفتگو کروں اور بتاؤں کہ دنیا کے کرمنلز کون ہیں، تو اس میں یہ عورت کا ضرور ذکر کروں گا، عورت کا ضرور ذکر کروں گا. اس کا نام ایسابیلا تھا میرے دوستو. اور یہ انسان کیا تھی؟ یہ چڑیل تھی. یہ وہ عورت ہے جس نے سارے مسلمانوں کو اندلس سے نکالا. یہ وہ عورت ہے جس نے مسلمانوں سے کہا کہ اگر تم اندلس میں رہنا چاہتے ہو، یاد رکھ لو، تمہارے بچوں کو عیسائی بنا دو، بچوں کو ہمارے حوالے کر دو، یا تو پھر اتنا مال دو، اتنا مال دو، تمہاری پوری دولت اندلس کی حکومت کے لیے لکھ کر تم نہتے بستی سے نکل جاؤ. بچوں کو ساتھ لے کر نہیں جاؤ گے، مال و دولت ساتھ لے کر نہیں جاؤ گے، تم جو کپڑے پہنے ہوئے ہو وہ کپڑا لے کر نکل جاؤ اندلس سے، نکل جاؤ اندلس سے، بچوں کو چھوڑ دو، صرف بڑے لوگ جا سکتے ہیں، بچوں کو عیسائی بنائیں گے. یہ عورت، یہی عورت تھی جس نے قانون لاگو کیا تھا. اور یہی عورت ہے میرے دوستو جس کے تعلق سے مورخین کہتے ہیں، صرف عربی اور مسلمان مورخ نہیں بلکہ یورپین مورخین بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ عورت واقعی چڑیل تھی، اس اعتبار سے کہ یہ زندگی میں صرف دو مرتبہ نہائی ہے. ایک جب وہ اس کی پیدائش ہوئی، اور اس کے بعد جب اس نے شادی کی، ورنہ یہ نہاتی نہیں تھی. اور تصور کریں آپ، اگر کوئی آدمی نہائے نہیں تو اس کے اندر کتنی جنگلیت موجود ہوگی اور کتنی جاہلیت موجود ہوگی. تو میرے دوستو اس عورت نے مسلمانوں کے بچوں کو عیسائی بنایا، اور اس کے بعد مسلمانوں کو کوٹ کوٹ کر جان سے مارا. اور اس کے بعد ایک گودام جس کے تعلق سے آپ نے سنا، شاید ممکن ہے کہ اس کی تفصیل آنے والی مجالس میں آئے، گوداموں کی جو تعمیر ہوئی جس میں مسلمانوں کو ڈم کیا جاتا تھا، اور اس کا حکم دینے والی، اسے سپانسر کرنے والی یہی ایسابیلا، یہ مجرم عورت تھی. تو یہ مجرم عورت نے کرسٹوفر کولمبس کو سپانسر کیا. اصل میں کرسٹوفر کولمبس اٹالی کا رہنے والا تھا، اور وہ بحری قزاق تھا جسے پیریٹس کہتے ہیں، سمندری پیریٹ تھا یہ، اور اسے تجربہ تھا. تو اس نے کئی مرتبہ کوششیں کی اور بہت سارے چیزیں اس نے کر دکھائی. تو ملکہ جو ایسابیلا تھی، اس نے اس پر سپانسر کیا، انویسٹ کیا، اور اسے کہا کہ جاؤ جا کر ہندوستان دریافت کرو. یہ جو قصہ سناتے ہیں، تو وہ وہاں سے نکلا، اور بہت دنوں کے سفر کے بعد، ہے نا،
वो एक ऐसे इलाके में उतरा, वहां के लोगों को उसने देखा, और ये हिंदुस्तान की जो तारीख इसने पढ़ रखी थी दोनों को उसने कंपेयर किया, मुकाबला कर कर देखा, तो इसमें कंपैरिजन नजर नहीं आता है। उसने हिंदुस्तान के ताल्लुक से जो पढ़ा और वो जमीन में जो देख रहा है बिल्कुल 100% मुख्तलिफ, दोनों के दरमियान आसमान जमीन का फर्क है। तो चंद दिनों के लिए एक टेंट में चला गया, परेशान था। उसके बाद बाहर निकलकर कहा, हम लोग इत्तेफाक से चाइना पहुंच गए, हम लोग हिंदुस्तान के लिए निकले लेकिन इत्तेफाक से चाइना पहुंच गए। लेकिन लोगों ने नहीं माना, उसके साथ जो लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं नहीं चाइनीज ऐसे नहीं होते, तुम्हारी तहकीक गलत है। तो फिर टेंट में चला गया, बहुत तहकीक करने के बाद बाहर निकलकर बोला कि यही हिंदुस्तान है जिसकी तलाश में हम लोग निकले हैं, यही हिंदुस्तान है जिसकी तलाश में हम लोग निकले हैं। लेकिन ऐसे महसूस होता है कि वो साउथ अमेरिका के ऊपर जो आइलैंड्स थे जो पनामा के आसपास पड़ते हैं और जहां आज कोलंबिया एक मुस्तकिल कंट्री है, वहां ये उतर गया था और उस बस्ती को ये हिंदुस्तान कहने लगा। और उसके बाद वहां के लोगों के जो रंग लाल किस्म के थे, लाल रंग के थे, और हिंदुओं के ताल्लुक से उसने कुछ मुख्तलिफ पढ़ा था, तो इसने वहां के जो लोग थे उनके ताल्लुक से इसने ये नाम रख दिया कि ये लोग रेड इंडियंस हैं, ये लोग अलहुनूद अलहुमर, ये लोग लाल इंडियंस हैं, ये नाम इसने रख दिया। और उसके बाद बाकायदा हो गया, वहां पर उसने बस्तियां कायम की, वहां पर आबादी कायम की, इन्हें तहजीब सिखाई। ये किस्सा है मेरे दोस्तों जो घड़ा जाता है, जो सुना जाता है और बाकायदा बड़ी बड़ी किताबों में लिखा जाता है, जिसे सारी दुनिया मानती है, लेकिन हकीकत इसके खिलाफ है मेरे दोस्तों, हकीकत इसके खिलाफ है। हाँ कोलंबस गया था, लेकिन कोलंबस को मालूम था कि इससे पहले मुसलमान गए हैं, वो जानता था कि वो उसी आइलैंड को जा रहा है, उसे मुसलमानों के जरिए से बाकायदा मैप्स मिल चुके थे, वो इसाबल्ला के इन्वेस्टमेंट में जा रहा था, जाके एक नई बस्ती में काबिज होना चाहता था, हुकूमत करना चाहता था। वो ये कहकर नहीं गया कि मैं पहली मर्तबा अमेरिका डिस्कवर कर रहा हूं, पहली मर्तबा अमेरिका मैं इक्तिशाफ कर रहा हूं, दरियाफ्त कर रहा हूं, ये कहकर मेरे दोस्तों वो नहीं गया था। वो गया था इस इल्म के साथ कि इससे पहले लोग गए हैं और यही रास्ता है, और यही रास्ता ये सोचकर गया। तो मेरे दोस्तों इससे पहले मुसलमान कैसे उधर पहुंचे, उसकी क्या तारीख है, ये जानना बहुत जरूरी है, दलाइल के साथ जाना बहुत जरूरी है। मेरे दोस्तों आप जानते हैं एक बहुत बड़े ताबे गुजरे हैं जिनका नाम उकबा बिन नाफे अल फहरी, उकबा बिन नाफे अल फहरी, ये वो ताबे हैं जिन्होंने नॉर्थ अफ्रीका को फतह किया, नॉर्थ अफ्रीका को फतह किया, और इन्हें भेजने वाले अमर बिन आस हैं। अमर बिन आस की तारीख आपने सुन ली, आपने ये भी सुन लिया था कि इन्होंने मिस्र फतह किया, इन्होंने मिस्र फतह किया उमर बिन खत्ताब के जमाने में, उमर बिन खत्ताब की इजाजत के बाद मिस्र फतह किए अमर बिन आस, और मिस्र फतह करने के बाद रुके नहीं, उन्होंने अपने खालाजाद भाई जिनका नाम उकबा बिन नाफे अल फहरी था उन्हें तैयार किए, बाकायदा तरबियत दी, और उन्हें यह जिम्मेदारी दी कि आप आगे बढ़े, मिस्र की जिम्मेदारी मेरे पास है, आप आगे जाएं, और भी ममलकतें आगे, लीबिया है, टूनिशिया है, अलजजायर है, मगरिब है, बहुत सारे अफ्रीका के इलाके हैं जहां इस्लाम की जरूरत है। तो उकबा बिन नाफिर मेरे दोस्तों थोड़ा गया जाए, उकबा बिन नाफिर फहरी वो ताबई हैं जिन्होंने इस्लाम के परचम को नॉर्थ अफ्रीका में लहराया, बहुत दूर तक रोनते हुए चले गए, और आपने इनकी करामत भी सुनी, ये किरावान जहां आज ट्यूनिशिया है वहां पहुंचे, और वहां पर कीड़े मकड़ों का जंगल था, और इन्होंने अल्लाह के हुक्म से, और इन्होंने जो है अल्लाह की करामत दिखाई, उस गांव को एक शहर में तब्दील कर दिया, और उन्होंने दुआ की थी कि अल्लाह, और वहां के कीड़ों मकड़ों से मुतालबा किया, तारीखी गवाह उठाकर आप तारीख देखिए, ट्यूनिशिया और किरावान की तारीख उठाकर देखिए, आपको तारीख ये कहेगी कि यहां उकबा बिन नाफे अल फहरी आए और ठहर कर एक टेली में उन्होंने दुआ की, और कीड़े मकोड़ों चरिंदों परिंदों से इन्होंने मुतालबा किया कि इस इलाके को छोड़ दे, यहां पर मैं बस्ती कायम करने वाला हूं, और उन्होंने दुआ की, और तारीख गवाह है मेरे दोस्तों, जानवरों ने अपने बच्चों को, कीड़ों मकोड़ों सब इलाके को छोड़ दिया, वहां पर इन्होंने मजबूत हुकूमत कायम की जो आगे चल के किरावान के नाम से मशहूर है। आज भी नॉर्थ अफ्रीका में यूनिवर्सिटी ऑफ किरावान मशहूर यूनिवर्सिटी है, बड़ी
अहम यूनिवर्सिटी जो उसमें एक यूनिवर्सिटी शुमार की जाती है और आज की आबादी कुछ और है। बहरहाल उकबा बिन नाफे आगे बढ़े रोनते गए यहां तक कि मेरे दोस्तों वो उस तरफ चले गए जहां अटलांटिक ओशन है ना। आप मैप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि यूरोप है, उसके नीचे बिल्कुल अफ्रीका है और अफ्रीका और नॉर्थ और साउथ अमेरिका के दरमियान एक बहुत बड़ा समंदर है जिसे अटलांटिक ओशन कहते हैं, जो तकरीबन 12,000 से 13,000 किलोमीटर के फासले में पड़ता है। बहुत बड़ा समंदर है और जिसे अरबों ने बहरे जुलुमात का नाम दिया। बहरे जुलुमात, जुलुमात कहते हैं तारीकियों को, अंधेरियों को। जब भी समंदर देखती इसके पीछे कुछ भी नजर नहीं आता तो इसे बहर जुलुमात का नाम दे दिया गया। उकबा बिन नाफे मेरे दोस्तों इतने जोश में थे कि सारा नॉर्थ अफ्रीका फतह कर लिया और उसके बाद इस साहिल के करीब पहुंचकर जब नजर डालते हैं कि आगे कोई बस्ती नजर नहीं आ रही है, जोश इतना था कि उधर ठहर कर तारीख की किताबों में बात लिखी हुई है, उकबा बिन नाफे फहरी की जिंदगी में बात लिखी हुई है कि उकबा बिन नाफे वहां पर ठहर कर वो दुआ किए जो मशहूर है। दुआ में इन्होंने कहा, ऐ अल्लाह तेरे हुक्म से, ऐ अल्लाह तेरे दीन के परचम को मैंने ये सारे इलाके में लहरा दिया और कम मुद्दत में मेरे दोस्तों 10-15 साल के अंदर इन्होंने पूरा नॉर्थ अफ्रीका फतह कर दिया और वहां उस साहिल पर ठहर कर कहते हैं, ऐ अल्लाह मैंने पूरे इलाके को फतह कर दिया, अगर मुझे मालूम है कि इस समंदर के उस पार एक ममलकत है या फिर हुकूमत है तो ऐ अल्लाह मैं जरूर उसे भी फतह कर लेता। ये कह के उधर बहुत देर तक रोए और वापस आ गए और मुसलमानों के दिल में उस जमाने से ख्वाहिश थी कि इस पार जाएं, उस पार जाकर देखें कि वहां पर कौन है, वहां पर कौन रह रहा है, और इनको मालूम था कि उधर एक बस्ती हुआ करती है। और ये वाकया है मेरे दोस्तों 60 पर 3 हिजरी का। अब हिजरी और मिलादी में आप कन्फ्यूशन हो तो हिजरी के साथ 570 पर 9 साल जोड़ लें, 570 पर 9 साल प्लस कर ले तो आपको क्रिश्चियन एरा मालूम हो जाएगा, ईसवी मालूम हो जाएगी। बहरहाल तो ये 60 पर 3 हिजरी का वाकया है तो आप जोड़िए तो आपको 650 है ना ईसवी के आसपास नजर आएगा। ये इसे मालूम हुआ कि मुसलमानों के दिल में जज्बा था कि इस समंदर पार कर जाए, ये दिल में इनके जज्बा हुआ करता था। ये जज्बा कैसे पैदा हुआ? अब इनको नहीं मालूम कि इसके उस पार बस्ती है लेकिन इनके दिल में जज्बा है, इसीलिए उकबा बिन नाफे अल-फहरी उधर ठहर कर दुआ कर रहे हैं और उसके बाद हम देखते हैं मुसलसल मुसलमानों के जहन में बात है कि इसके उस पार भी एक बस्ती है ना। इसी का जिक्र अल्लामा इकबाल ने शेर में कहा, दश्त तो दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने, बहले जुरुमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये दश्त क्या है? इन्हें दश्त कहते हैं सहरा, यानी जमीन को, दश्त समंदर और सहरा, ये क्या है? सब को हमने रौंद लिया, हम वो लोग हैं जिन्होंने बहरे जुलुमात में घोड़े दौड़ाए, हम मुसलमान वो हैं जिन्होंने बहरे जुलुमात तक पहुंचे, अटलांटिक ओशन तक पहुंचकर वहां के पानी में घोड़ों को सरतप दौड़ाए, ये कह रहे हैं अल्लामा अकबर। बहरहाल ये 60 पर 3 हिजरी का वाकया है मेरे दोस्तों। उसके बाद आप तहकीक करेंगे, आप मजीद तहकीक करेंगे तो आपको बहुत सारी बातें मालूम होगी। उसमें मेरे दोस्तों एक किताब है जिसका नाम अलहस्सु अला तिजारा, अलहस्सु अला तिजारा यानी तिजारत करने के फजाइल, तिजारत करने के फजाइल, लिखने वाले आलिम का नाम अबू बकर अल खल्लाल, मशहूर सलफी आलिम है, अहलुल सुन्ना वल जमा उलमा उस सलफ में इनका शुमार होता है, फन हदीस के माहिर है और आप मुहद्दिसीन को देखेंगे अल खल्लाल का नाम बार बार जिक्र करते हैं। तो उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, उनमें से किताब अल हस्सु अल तिजारा, इस किताब में उन्होंने एक रिवायत नकल की है, अगरचे के फन हदीस के एतबार से वो रिवायत मकतूल मानी जाएगी लेकिन फन तारीख में मकबूल है। आप फन हदीस में आप तहकीक करते हुए जाएंगे तो आपको मालूम होगा उन रिवायतों को आप बतौर तारीख कबूल कर सकते हैं जिसमें अकीदे की खोट या फिर मनहज सलफ के खिलाफ कोई बात हो तो रद्द कर देंगे, अगर नहीं है तो उसे कबूल करने में कोई हर्ज नहीं। ये अकीदा और अहकाम के लिए हदीसों का सही होना, मकबूल होना जरूरी है। अगर रिवायत तारीख है तो अहले इल्म, उलमा हदीस उसमें उतनी तहकीक नहीं करते जितने अकीदे और अहकाम की रिवायतों में करते हैं। बहरहाल तारीखी वाकया है, ये रिवायत अबू बकर अल खल्लाल ने अपनी किताब में नकल किया है। वो कहते हैं कि इमाम अबू आमिर शाबी, इमाम अबू आमिर शाबी जिनकी वफात 101 हिजरी के है, उनके तरफ से एक रिवायत नकल करते हैं। रिवायत कुछ इस तरीके से है मेरे दोस्तों, कहते हैं
قال سمعت الشعبي شعبی سے سنا گیا کہ انہوں نے کہا کہ ان للہ عز وجل عبادا من وراء الاندلس كما بيننا وبين الاندلس ما يرون ان الله تعالى عصاه مخلوق رضراضهم الدر والياقوت حبالهم الذهب والفضه لا يحرثون ولا يزرعون ولا يعملون عملا لهم شجر على ابوابهم لها ثمار هي طعامهم وشجر لها اوراق عراض هي لباسهم. روایت میں کہا گیا کہ امام شعبی کہتے ہیں, امام شعبی بہت بڑے علامہ ہیں, امام شعبی فن حدیث کے فن فقہ کے بہت بڑے ماہر ہیں, یہ امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں اور بڑے بڑے علماء نے ان کے پاس دینی علم حاصل کیا, اور یہ وہ آدمی ہے میرے دوستوں جو اپنے شاگردوں سے کہتے تھے کہ دیکھو مجھے شعر و شاعری سے لگاؤ نہیں, شعر و شاعری سے لگاؤ نہیں, لیکن میرے محفوظ میں میرے حفظ میں اتنے اشعار ہیں کہ میں ایک مہینہ کہہ سکتا ہوں, کتنے دن, ایک دو دن نہیں, ایک مہینے اشعار سنا سکتا ہوں اور ریپیٹیشن نہیں کروں گا, سنایا ہوا چیز دوبارہ نہیں سناؤں, ایک مہینے تک مسلسل سنا سکتا ہوں اور ریپیٹیشن نہیں کر سکتا, اتنے بڑے علامہ امام شعبی. یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ایک مخلوق ہے, اللہ کی ایک مخلوق ہے جو بہت دور رہتی ہے, ان کی زمین اور ہماری زمین میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا ہمارے اور اندلس کے درمیان ہے, ان کی زمین اور ہمارے زمینوں کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا وہ کوفہ میں تھے, کوفہ اور اندلس کے درمیان کا فاصلہ ہے. سبحان اللہ, یہ آپ اٹھا کر دیکھیے, میں بالکل 100% میرے دوستوں انہوں نے گویا کہ انچ بائی انچ ماپ کر کہا ہے, کوفہ سے اندلس جتنا ہے اتنا ہی اندلس سے میرے دوست امریکہ پڑتا ہے. کہتے ہیں کہ جتنا ہمارے اور اندلس کے درمیان فاصلہ ہے اتنا اندلس اور اس زمین کے درمیان فاصلہ ہے. اس زمین کی خوبی کیا ہے؟ اس زمین کی خوبی ہے کہ یہاں پر ایک اللہ کی مخلوق رہتی ہے جو ہیرے جواہرات میں کھیلتی ہے, جن کے پاس سونا کوئی موضوع نہیں, پہاڑ ہیں ان کے پاس سونے کے, چاندیوں کے پہاڑ ہیں, ان کی زمین بڑی زرخیز زمین ہے, بڑی عمدہ زمین ہے, اور ان کی خوبی یہ ہے کہ یہ لوگ کاشت نہیں چلاتے, یہ لوگ زمین میں اگریکلچر نہیں کرتے, یہ لوگ کوئی کام نہیں کرتے, یہ آرام سے رہتے ہیں, معاملی کام کرتے ہیں. ہر آدمی کے گھر کے دہلیز میں جھاڑیاں ہوتی ہیں, درخت ہوتے ہیں, اور وہ درخت میں بہت قسم قسم کے پھل لگتے ہیں, ہر قسم کے پھل لگتے ہیں, اور یہ پھل کھاتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں, اور یہ پھلوں کے جھاڑیوں کے ٹہنیوں سے پتے نکال کر وہ اپنا لباس بناتے ہیں. یہ روایت ہے میرے دوست, یہ روایت ہے جس میں امام شعبی نے بتایا کوفہ اور اندلس کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا اندلس اور امریکہ کے درمیان فاصلہ ہے. نام امریکہ کا ذکر نہیں کیے, ایک زمین کا ذکر کیے ہیں. یہ کب کی روایت ہے؟ یہ 101 ہجری, یعنی اس سے پہلے 100 ہجری کا واقعہ ہے. اس وقت امام شعبی یہ واقعہ سنا رہے ہیں تو یہ ضرور مسلمانوں کے علم میں تھا کہ ایک ایسی زمین ہے جو بہت دور ہوتی ہے, بہت دور ہوتی ہے. اب امام شعبی نے کیسے سنایا؟ امام شعبی اڑتے تھے یا پھر جن تھے؟ امام شعبی ایسے کچھ بھی نہیں تھے میرے دوستو, ضرور انہوں نے ان کے اساتذہ سے سنا ہوگا. ان کے اساتذہ کون ہیں؟ ان کے اساتذہ صحابہ ہیں, ان کے اساتذہ بڑے بڑے اہم تابعین ہیں, بڑے سعید بن مسیب, سعید بن جبیر جیسے بڑے بڑے رؤساء و تابعین ہیں, اور ان کے اساتذہ میں صحابہ ہیں, اور یہ عین ممکن ہے کہ یہ صحابہ یا پھر رؤساء تابعین سادات تابعین سے انہوں نے یہ بات سنی ہو. بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ ایک زمین کا تصور مسلمانوں کے ذہن میں تھا. ایک اب کی بات ہے, 100 ہجری کی بات ہے. اور آگے بات بڑھائیے اور آپ آگے جائیں گے تو میرے دوستو ایک کتاب ہے جسے لکھنے والے کا نام المسعودی, کتاب کا نام ہے مروج الذہب, کتاب کا نام ہے مروج الذہب. یہ 300 ہجری کے آس پاس لکھی گئی کتاب, 300 ہجری کے آس پاس لکھی گئی. اس میں آپ 570 پر 9 جوڑیے, کتنے سال نکلتے ہیں؟ 870 پر 9 عیسوی, 870 پر 9 عیسوی. اور کولمبس کب گیا تھا؟ 1490 پر 2 عیسوی, یعنی کتنے سال فرق ہے؟ تقریباً 900 سال کا فرق ہے نا. مسعودی اپنی اسی کتاب میں, تاریخی کتاب ہے, ہسٹری کتاب ہے, پوری تاریخ انہوں نے لکھی ہے. اور کب, کتنے جلدوں میں ہے؟ 8 جلدوں میں کتاب, اتنی بڑی کتاب لکھی ہے انہوں نے 300 ہجری میں. اور اس کتاب میں میرے دوستو انہوں نے ایک صاحب کا واقعہ نقل کیا جن کا نام تھا الخشاش بن سعید بن اسود. الخشاش بن سعید بن اسود
इनके वाकये में ये एक वाकया ज़िमनन नकल करते हैं। मसूदी कहते हैं कि खशाशी वो साहेब हैं, अगरचे के ये इल्म के दीन इल्म के असलहा से आरास्ता थे, अहले इल्म थे, और इन्होंने एक बहुत बड़ा सफर किया, अरबों के पास सफर करने की दीवानगी है ना, आप देखेंगे रहलत शिदाई व सैफ, अरबों के पास तरीका क्या है कि समर हॉलीडे के लिए इधर जाए यमन जाए और विंटर आ जाए तो शाम जाए, उनके पास सफर करना उनकी जिंदगी का हिस्सा है, वो बगैर सफर के रह नहीं सकते। और सुभान अल्लाह यही तबीयत है मेरे दोस्तों, इस्लाम फैलाने में काम आई। ये लोग अपने बस्तियों में बैठ जाते, नहीं निकलते तो इस्लाम नहीं फैलता। तो अल्लाह ताला ने अरबों को चुना है तो बड़ी हिकमत के साथ चुना है ना। ये जमीन में सयाह थे, घूमने वाले थे, घूमना पसंद करते थे, है ना, मापना जमीन को मापा करते थे, उतनी इनके पास सफर की ख्वाहिश हुआ करती थी। तो मेरे दोस्तों इसी वजह से आप देखते हैं कि इस्लाम आया तो उसके बाद साहब निकल गए, आप जमीन में फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, जहां कहीं भी गए तौहीद का बोलबाला कर रहे हैं। बहरहाल मसूदी अपनी किताब में लिखते हैं अल-खशाशी वो साहब हैं, अहल इल्म में होने के बावजूद इन्हें सफर की बहुत ख्वाहिश थी, समंदरी सफर बहुत क्या करते थे। तो इन्होंने अपने साथ बहुत सारे लोगों को लिया और लेकर बहरे जुलुमात का सफर किया। किसका? बहरे जुलुमात का सफर किया, और उसके बाद वो उस जमीन में पहुंचे जिसे अल अर्दुल कबीरा कहा जाता है, बड़ी जमीन कहा जाता है, अरबों ने इसे अल अर्दुल कबीरा रख दिया, बहुत बड़ी जमीन है। अब देखते हैं कि अमेरिका, आप कैलिफोर्निया से आप उधर जाइए, क्या है लॉस एंजलिस, फ्लाइट में 9 घंटे हैं, एक ही कंट्री, इधर से निकली आप एक ही कंट्री, उस तरफ जाइए 9 घंटे 10 घंटे का सफर है फ्लाइट में। अगर आप यहां से सफर करेंगे तो आप चले जाएंगे कहां, स्पेन चले जाएंगे 10 घंटे में, वो एक बस्ती में सफर कर रहे हैं, तो तस्वुर बहुत बड़ी जमीन है। तो इसीलिए अरब इसे कहते थे अल अर्दुल कबीरा, कहते हैं अल खशाश वो आदमी है जो अल अर्दुल कबीरा को गए और उधर से वापस आए, वापस आकर इन्होंने ये खबर सुनाई कि वहां भी मुसलमान हैं, वहां पर भी नमाजें पढ़ी जाती हैं और वहां पर बाकायदा तहजीबें चल रही हैं, इतना ही इन्होंने लिखा है। मसूदी 300 हिजरी के अल खशाश बिन सईद बिन असवद के वाकयात में इन्होंने ये वाक्य नकल किया है। 300 हिजरी मेरे दोस्तों यानी कोलंबस से पहले 900 साल पहले का वाकया है। और वो साहब क्या कहते हैं, मैंने उन लोगों को देखा जो मुसलमान है, और दलील सुनिए 600 हिजरी में मेरे दोस्तों एक बहुत बड़े आलिम पैदा हुए जिनका नाम मोहम्मद अल इदरीसी, मोहम्मद अल इदरीसी, कौन है ये नाम अच्छा याद रखिए, मोहम्मद अल इदरीसी। ये अल इदरीसी वो हैं जिन्होंने सबसे पहले दुनिया में मैप बनाया, दुनिया में मैप बनाने का कॉन्सेप्ट, वरना इससे पहले लोगों को मालूम नहीं था कि वो कहां है। इदरीसी वो आदमी है जिन्होंने मैप बनाया। मैप कैसे बनाया? मैप मेरे दोस्तों कागज में नहीं बनाया है, इन्होंने बाकायदा जैसे जमीन बॉल की शक्ल में है वैसा इन्होंने एक बॉल बनाया पत्थर में, और उसमें इन्होंने ये नक्श किया कि जमीन ऐसे ही है, ये जमीनें हैं, ये बस्तियां हैं, यहां यहां पानी है। मेरे दोस्तों कब की बात बता रहा हूं मैं, 600 हिजरी की बात बता रहा हूं। तो बाकायदा इन्होंने कहां के हैं, ये अंदलुस के हैं, अंदलुस स्पेन के हैं, वहां पर इन्होंने बहुत बड़ा ग्लोब बनाया पत्थर में और वहां पर इन्होंने नक्श करके बता दिया कि यहां यहां पर बस्तियां हैं, यहां यहां पर समंदर है। और उसके बाद इन्होंने जो मैप बनाया उसकी खूबी ये थी कि साउथ ऊपर नॉर्थ नीचे, साउथ ऊपर नॉर्थ नीचे, और ये जो मैप आप देख रहे हैं इसका बरअक्स था, और ये जो मैप आप देखते हैं उसके बरखिलाफ नजर आएगा। तो सबसे पहले आदमी है जिन्होंने मैप फाइंड आउट किया, इनके मैप में गौर करते हैं अहले इल्म ने इनके मैप में गौर किया, इसकी तहकीक की। एक बहुत बड़े आलिम है जिनका नाम मोहम्मद अल कत्तानी, ये मोराको के रहने वाले हैं, ये जो मालूमात मैं आपको नकल कर रहा हूं अक्सर मालूमात इन्होंने लिखा है। ये कहते हैं कि ये मैप में अगर आप गौर करेंगे, इसकी तहकीक करते हुए जाएंगे, तो इसमें जहां दूसरे बस्तियों का जिक्र है ना, मक्का मदीना कूफा बसरा बगदाद किरावान मिस्र स्पेन मगरिब मगरिब अल अरबी, ये जितने भी बस्तियों का जिक्र है उसके साथ साथ इन्होंने मैप में एक जमीन छुड़ाया है और उसके ऊपर नाम रखा है अल अर्दुल कबीरा, उसके ऊपर इन्होंने नाम रखा है अल अर्दुल कबीरा, यानी मैप में खुद मुसलमानों के आ गया था कि एक बस्ती है जिसे बड़ी जमीन कहा जाता है। ये कब के वाकयात है मेरे दोस्तों? 600 हिजरी के वाकयात है। यही अल इदरीसी अपनी किताब में लिखते हैं, किताब का नाम अल ममालिक वल मसालिक, लिखते हैं कि 600 हिजरी में है ना चंद नौजवान जिनके पास सफर करने की दिलचस्पी थी, सफर करने के दीवाने थे, इन्होंने सफर किया और अल अर्दुल कबीरा को गए,
और वहां पर इन्होंने अरबों को देखा जो अरबी में गुफ्तगु कर रहे थे, अरबों को देखा। इससे पहले उन्होंने क्या कहा? मुसलमानों को देखा। अब इस बार ये कह रहे हैं कि वहां पर अरब हैं जो अरबी में गुफ्तगु कर रहे हैं, अरब हैं अरबी में गुफ्तगु कर रहे हैं। तो आप तस्वीर कीजिए कब का वाकया है, 600 हिजरी का, तकरीबन 900 साल पहले क्रिस्टोफर कोलंबस के अमेरिका जाने से। तो ये है मेरे दोस्तों कौन, अल इदरीसी की वाकयात। उसी तरीके से एक दूसरे आलिम है जिनका नाम शहाबुद्दीन अल उमरी, इन्होंने अपनी किताब में मसालिकुल अबसार फी ममालिकिल अमसार में लिखा है, ये 800 हिजरी के, इन्होंने एक अजीब गरीब वाकया लिखा है, अजीब गरीब वाकया लिखा है। ये कहते हैं कि मैं मिस्र में था, मेरी मुलाकात माली के एक बादशाह से हुई। माली बस्ती है, आप देखेंगे नॉर्थ अफ्रीका में एक बहुत बड़ी बस्ती है, ये इतनी गरीब आज है लेकिन एक जमाने में यहां सोने उगला करती थी जमीन इनकी, जमीन खोदें तो सोने मिलेंगे, सोने चांदी जमीन उगलती थी। और ये जमीन जहां है उसके नीचे मेरे दोस्तों सेनेगाल क्या है दूसरे कंट्रीज है, जहां आज सारी दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज के बड़े बड़े कंपनीज वहां पर हैं, जो जमीन खोदकर हीरे जवाहरात निकाल के सारी दुनिया में तकसीम करते हैं। वो जमीन मेरे दोस्तों सोनों के लिए बहुत मशहूर है, आज भी यहां पर जो सोना निकलता है दुनिया के कोई हिस्से में नहीं निकलता। बेचारे मामूली बस्ती वाले हैं, उन्हें नहीं मालूम कि क्या निकाला जाता है। वहां के गवर्नमेंट को उन्होंने डराया धमकाया और गवर्नमेंट को ठप करके ये कंपनीज कोई इटली की है, कोई अमेरिका की है, कोई स्पेन की है, कोई फ्रांस की है, उधर जाके घुस बैठे हैं और वहां की जमीन से सोना निकालते हैं और सारी दुनिया में तिजारत करते हैं और मुसलमानों को वहां जो बेचारे हैं उनको नाखून का पानी छिड़कते हैं। और बस्ती गरीब है, बस्ती की वही हालत है, बस्ती डेवलप नहीं हुई लेकिन ये लोग सोना निकाल निकाल के अपनी बस्तियों को लेकर जा रहे हैं। जुल्म देखिए आप, ऐसे ही जुल्म करते हैं ईसाई, ऐसे ही है मेरे दोस्तों ये क्रिश्चियंस, मुसलमानों पर इन्होंने ऐसे ही जुल्म किया, मुसलमानों को इन्होंने बेतहाशा लूटा मेरे दोस्त। तारीख पढ़े तो आंखों से आंसू नहीं बल्कि खून आता है कि कैसे मुसलमानों को धोखा दिया गया। बहरहाल ये माली मेरे दोस्तों बहुत बड़ी सल्तनत थी, लेकिन आज क्या हालत है, आज दुनिया में सबसे गरीब तर मुल्क माली है। अब मैप में उठाकर देखें, शायद हम में से कई लोगों ने इसे देखा भी सुना भी नहीं। माली ये क्या है, नई नया नाम है, इसका कैपिटल है तंबुक्तू, तंबुक्तू कैपिटल है। और अनकरीब में न्यूज़पेपर में भी आए थे ये लोग जो है जिनको टॉरक्स कहा जाता है ना, वहां पर बहुत सारे हमले हुए झगड़े हुए वहां पर, ये माली बस्ती है। तो दुनिया में सबसे गरीब तर मुल्क है मेरे दोस्तों आज, ये ऐसी कंट्री है जिसके पास एयरपोर्ट तो नहीं है बल्कि 3 फ्लाइट्स हैं। अब ये फ्लाइट्स उतरने के लिए एयरपोर्ट नहीं है तो सड़कों में उतारते हैं। और एक मेरा दोस्त है जो माली में रहता है, हमारे साथ पढ़ता था, वो कहता था कि हम जब भी फ्लाइट में से उतरते बच्चे खेल रहे होते, हम कहते हटो हटो भाई हटो, माल उतारना है, माल उतार के फ्लाइट में हालत। पूरे मुल्क में सिर्फ 3 फ्लाइट्स हैं और फ्लाइट्स में बहुत कम लोग सफर करते हैं। तो तस्वीर करें कि बस्ती की इक्तसादी हालत क्या है, माली हालत क्या है, जबकि जमीन कैथिक जमाने में ये माली मेरे दोस्तों सोना उगलती थी, यहां पर बहुत बड़ी सल्तनत थी मुसलमानों की और यहां से सारे दुनिया को सोना एक्सपोर्ट किया जाता था, सारी दुनिया के लोग इधर आके सोना लेकर जाते थे और बहुत बड़ी सल्तनत थी जो समंदर तक पहुंची हुई थी। आज के मैप में आपको माली समंदर तक नहीं पहुंचती है लेकिन उस जमाने में समंदर तक पहुंचती है, जिसे अटलांटिक ओशन कहा जाता है, बहर जुलुमात कहा जाता है। ये बस्ती के बादशाह से शहाबुद्दीन अल उमरी मुलाकात करते हैं, उनकी किताब में पूरा वाकया नकल करते हैं, कहते हैं के बादशाह से मेरी मुलाकात हुई, मैं चाहता था कि वहां की तफसील लूं क्योंकि हिस्टोरियन थे लिखने के लिए, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने सारे वाकया बहुत सारे वाकया सुनाए, उसमें से एक अजीब गरीब वाकया सुनाया। ये बादशाह का नाम था मानसो मोसा, बादशाह का नाम था मानसो मोसा। तो ये मानसो मोसा ने एक अजीब गरीब वाकया सुनाया, उन्होंने कहा कि एक मेरे भाई है जिनका नाम अबू बकर बिन मोहम्मद है, ये वो आदमी है जो असल में मेरे बस्ती के बादशाह थे, उन्हीं के मातहत हुकूमत चल रही थी, लेकिन इतने सफर के जुनून थे, इतने सफर के जो है दीवाने थे, इतनी जुनून इनके जहन में चढ़ी हुई थी कि इन्होंने हुकूमत मेरे पास दे दी और उन्होंने एक बहुत बड़ा सफर किया, बहर जुलुमात का सफर किया और अपने साथ इन्होंने 200 कश्तियां ली, बड़े बड़े शिप्स, 200 शिप्स लिए, लोगों को भरा और उसके साथ साथ 2000 छोटी कश्तियां जो ये बड़े कश्तियों के आसपास जाया करती थी। तस्वीर करें कि कितनी बड़ी
लश्कर थी होंगी, 200 कश्तियां और 2000 छोटी छोटी कश्तियां पर ये लोग पूरे सवार हुए। मेरे भाई अबू बकर बिन मोहम्मद ये कश्तियों के सरदार थे, अगरचे के बस्ती के बादशाह थे, उन्होंने हुकूमत मेरे हाथ में सौंपा और ये बहर जुलुमात का उन्होंने सफर किया। और खाने के लिए कैसे गए, सफर करके, समंदरी सफर से बहुत वाकिफ थे, तो ये अपने साथ 2 साल का खाना ले गए। ऐसे गोश्त इन्होंने तैयार किए और इसे उन्होंने सुखाया, गोश्त को सुखाकर अपने पास रख लिए और 2 साल तक का गिजा का इंतजाम इन्होंने किया। और उसके बाद सोनों के पहाड़ अपने साथ लेकर गए। अब हुआ क्या, मानसो मोसा कहते हैं कि ये गए लेकिन वापस नहीं आए, ये गए वापस नहीं आए। कब की बात है ये, जब ये उमरी से मुलाकात करके बता रहे हैं, है ना, उसके बाद वो वापस आए, उसके बाद बाकायदा ताल्लुकात कायम हुए, उसके बाद माली और मेरे दोस्तों साउथ अमेरिका को, जैसे आप रायपेटा और रईस जाते हैं ऐसे निकले, निकल गए, उधर उधर से दाखिल हुए, इधर दाखिल हो गए, ऐसे मेरे दोस्तों बाकायदा दो मुल्कों में ताल्लुकात थे, लोग कसरत से आते जाते थे, सी रूट मिल गया था। तो बहरहाल बाकायदा ये कहते हैं कि गए और उसके बाद वो वापस नहीं आए, तो मतलब ये है कि वहां गए, सेटल हो गए। कहां गए थे मेरे दोस्तों, आप एग्जैक्टली आप चेक करते जाएंगे तो आपको उरुग्वे, पुराग्वे और अर्जेंटीना, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ साउथ अमेरिका के अहम मुल्क हैं, है ना, अर्जेंटीना के आसपास ये लोग जाके उतरे, वहां पर एक बहुत बड़ी हुकूमत कायम किए, वहां पर इस्लाम इन्होंने फैलाया। तो ये देखो कब की बात है मेरे दोस्तों, ये 800 हिजरी की बात है। और ये जो मैं बता रहा हूं, ये मानसू मोसा का वाकया, ये वाकया मेरे दोस्तों एक बहुत बड़े स्पाइनी राइटर हैं जिनका नाम इवान सर्टिमा, उन्होंने अपनी किताब में जिसका नाम था द अफ्रीकन प्रेजेंस इन एशियंट अमेरिका, दे केम बिफोर कोलंबस, किताब का नाम है दे केम बिफोर कोलंबस, में इन्होंने ये सारा वाकया मानसू मोसा का नकल किया, अबू बकर बिन मोहम्मद अस्सानी का वाकया नकल किया, वो कैसे गए थे, कैसे सेटल हुए। अब ये अब आज से 50 साल पुराने आदमी है, इन्होंने अपनी किताब में लिखा। और दूसरे मालिक एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं जो अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं जिनका नाम गस्सो दीवारा, उन्होंने अपनी किताब में ये पूरी तफसील सुनाई कि बाकायदा गए, बाकायदा मुसलमान उधर सेटल हुए, उनकी हुकूमतें थी। और इस पर बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री भी निकाली जो आपको यूट्यूब में मिल जाएगी, चेक करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो ये 800 हिजरी के वाकया थे। और मेरे दोस्तों ये जो कोलंबस है, जब उसने गया था वो, तो उसने एक मेमोरायर्स लिखा, वापस आया तो अपनी याद दहानी, अपनी याददाश्त के लिए उन्होंने किताब लिखा। उसमें उसने लिखा है कि मैं जब वहां पर उतरा तो ऐसे औरतों को देखा जिनके लिबास गरनाता की औरतों जैसी हैं। गरनाता कौन है, ये स्पेन में रहने वाले है ना, स्पेन उस वक्त मुसलमानों के हाथ में था। गरनाता की औरतें जो लिबास पहनती हैं, यानी मुसलमान औरतें जो लिबास पहनती है, वैसी लिबास पहनती हुई वहां पर मुझे औरतें नजर आई। ये कौन कह रहा है, कोलंबस अपने मेमोरायर्स में कहता है। और कोलंबस ये भी कहता है कि मैं जब क्यूबा गया, क्यूबा एक आईलैंड है ना, कैरेबियन आईलैंड के आसपास पड़ता है, क्यूबा एक अलग मुस्तकिल कंट्री है, कहता है कि मैं जब क्यूबा गया वहां पर मैंने बाकायदा मस्जिद देखी, इमाम है, लोग नमाज पढ़ रहे हैं। कोलंबस कह रहा है, मेरे दोस्तों पूरी बातें छुपा दी गई। और पूरी बातें जैसे किताबों को लेते, नाम डिलीट करके अपना नाम डाल लेते, वैसे इन्होंने तारीख के साथ भी किया मेरे दोस्तों। और जैसे ही मुसलमानों को अंदलुस से निकाला तो पूरी तारीख को इन्हें छुपा दिया, पूरी तारीख उन्हें छुपा दिया। अब वहां से ये प्रोपेगेंडा करे, ये मशहूर किए, जहां कहीं भी ये तो जाते हैं, है ना, कॉलोनियलिज्म के नाम से हिंदुस्तान इन्होंने पकड़ा, सारी दुनिया को अपने कब्जे में किया, सिलेबस बना के देते, और सिलेबस में साथ इन्होंने करप्टेड मालूमात दिए, करप्टेड इंफॉर्मेशन दिए, झूठे इंफॉर्मेशन दिए, फेक इंफॉर्मेशन दिए, जिसमें यह बताया गया कि कोलंबस ही पहला आदमी है जो गया और सारी दुनिया को इन्होंने यकीन करवा लिया, जबकि हकीकत यह है, जानते हैं लेकिन छुपा रहे हैं मेरे दोस्तों। ये नहीं चाहते कि मुसलमान, क्योंकि इतने डरे हुए थे, इतने मर्तबा मार खाए थे, इतने मर्तबा तितर बितर हो गए थे, ये चाहते थे कि मुसलमानों को अदना भी मौका ना दें। ये आज भी इनकी कोशिश है। आप देखेंगे कि कोई एक इस्लामिक कंट्री है, कोई दो एमएलए लड़ रहे हैं, कोई दो सियासतदान लड़ते हैं, बीच में अमेरिका आएगा, बीच में यूरोप कंट्री आएगी, आकर दोनों के मसले को और बढ़ाएंगे, इंसाफ के नाम से आएंगे और आग लगाएंगे। वजह क्या है, वजह यह है मेरे दोस्तों, ये लोग चाहते हैं कि मुसलमान किसी भी एतबार से अदना हिस्से में भी जमना जाएं। डर इनको ये, तारीख पढ़ते हैं लोग, हम नहीं पढ़ते, ये लोग पढ़ते हैं, तारीख जानते हैं कि मुसलमानों को अगर एक बार भी जमियत मिल जाए, जम जाएंगे लोग।
ये इतने आपस में इनकी मोहब्बत होती है, इनके नबी ने इन्हें क्या क्या नहीं सुनाया, ये हमेशा मिलने के लिए तैयार रहते हैं, इन्हें मिलने देना नहीं चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे कि अदना मामलात में भी दखल अंदाजी करेंगे ताकि ये लड़ लें, मिलना चाहें। चार अरब ममलकत मिलकर बैठ कर बात करने के लिए जमा हुए तो आप देखेंगे कि ये लोग दखल अंदाजी कर रहे हैं, है ना। जहां कहीं भी वो लोग दो अरब बात कर ले तो तीसरा जैसे शैतान होता है वैसे ये होंगे ताकि ये मिल ना जाए, कोशिश यही होती है। इसीलिए इन्होंने तारीख को छुपाया, है ना। इतने बड़े बड़े वाकयात, इतने बड़े बड़े हकायक को छुपाने की आखिर जरूरत क्या, ये कि मुसलमान ना जाने और वो जहालत में रहे। जब तक जहालत में रहेंगे हमारा कब्जा इन पर जारी रहेगा। जैसे शैतान जाहिल आदमी गुमराह कर सकता है वैसे ये भी शैतान है, ये चाहते हैं कि मुसलमान जाहिल रहे और इन पर हमारा कब्जा रहे और ये हमें हीरो माने। ये उसूल है मेरे दोस्तों, ये साइकोलॉजिकल इश्यू है। आदमी गौर कर तो बहुत सारी बातें मालूम होती है, ये साइकोलॉजिकल हमको हराना चाहते हैं कि हमको ये कहते हैं कि देखो हीरो हम हैं, है ना। जब आदमी किसी यूरोप के हीरो को मान लेगा उसी तर्ज पर चलना चाहेगा, उसी को सब कुछ मानेगा, तो ये हीरोस अपने तरफ से पेश करते हैं, चाहते हैं कि मुसलमान इनकी तबाह करें। अगर हकीकत पढ़ लें, जैसे आपने बरबरोजा के ताल्लुक से सुना, सुलेमान अल कानूनी के ताल्लुक से सुना, बड़े बड़े लोगों के ताल्लुक से आपने सुना, अगर इनके ताल्लुक से लोगों को मालूम हो जाए लोग इन्हें हीरो मानेंगे। अब जब इन्हें हीरो मानेंगे इनके पीछे चलेंगे, अब जब इनके पीछे चलेंगे इनकी इतनी सी भी नहीं चलेगी, अदनासी भी हरकत नहीं कर सकते और ये चैन से बैठ नहीं सकते। इनके बस्तियां मुसलमानों के कब्जे में बड़ी आसानी से आ जाएगी और सारा यूरोप मुसलमान हो जाएगा। ये सब जानते हैं, ये मत समझिए कि आप ये लोग गाफिल हैं, नहीं पढ़ते। नहीं मेरे दोस्तों, बाकायदा ये लोग पढ़ते हैं, ये पूरे वाकया तो जानते हैं। बहरहाल कोलंबस कहता है कि कुबा में मस्जिद थी, मैंने देखा वहां पर मुसलमान और इमाम था जहां बाकायदा नमाज पढ़ी जा रही थी। और उसके बाद मेरे दोस्तों और भी बहुत सारे दलाइल हैं। एक बहुत बड़ा ज्यूश एक यहूदी है जिसका नाम लियू वियन्नर, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, इसने किताब लिखी जिसका नाम अफ्रीका एंड द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका। उसमें ये पूरे वाकयात नकल करके बताता है कि कोलंबस के जाने से पहले वहां पर अफ्रीका के लोग मौजूद थे। अफ्रीका के कौन? मुसलमान। माली से गए तो अफ्रीका के थे, उनके जो है चमड़ियां काली थी, मुसलमान थे लेकिन चमड़ियां काली थी, अफ्रीका के रहने वाले थे। तो ये कहता है कि कोलंबस के जाने से पहले वहां पर अफ्रीकन्स पाए गए, अफ्रीकन्स मौजूद थे। और उसके बाद ये मजीद अहम बात लिखता है, कहता है कि कोलंबस को अच्छी तरीके से मालूम था कि वो जा रहा है उस जमीन में जहां उससे पहले मुसलमान मौजूद हैं। कोलंबस को अच्छी तरीके से मालूम था कि वो मुसलमानों के जमीन की तरफ जा रहा है, वहां बाकायदा मुसलमान रहते हैं। और उसके बाद मेरे दोस्तों 2000 में एक स्पेन औरत है जो ड्यूक ऑफ टोलेडो करना था, इसे कहते हैं तली तलाब कहते हैं टोलेडो, वहां का एक गवर्नर था, वहां के गवर्नर को ड्यूक कहते हैं। उसके खानदान से एक औरत थी जिसका नाम लियोसा अल्वाराज़े, स्पैनिश औरत थी। इसने मोहम्मद अल कत्ता ने जिनके ताल्लुक से मैं बता रहा था उन्हें वो बाकायदा एक मरतबा बुलाती है। वो मोराको से सफर करके स्पेन जाते हैं और इस औरत से मिलते हैं, तो वह औरत इन्हें लेकर गई अपने पैलेस में और पैलेस में छुप छाप के से बिठाई, पोशीदा अखबार दी और उसमें उन्होंने बताया, उस औरत ने बताया कि देखो मुझे किताबें मिली हैं मेरे पैलेस में, मुझे किताबें मिली हैं मेरे पैलेस में और पूरी किताबें अरबी में हैं, पूरी किताबें अरबी में हैं। और उसके बाद उसने वो किताबों को पेश किया जिसमें मुसलमान अमेरिका जाने का जिक्र है और वो बताती है कि देखो यहां पर मैप भी मौजूद है, देखो। ये कह के वो सारे किताबें मोहम्मद अल कत्तानी के हवाले करती हैं, कहती हैं कि चुपचाप तुम स्पेन से निकल जाओ, 2000 की बात बता रहा हूं मैं, चुपचाप तुम स्पेन से निकल जाओ, अगर तुम्हारी खबर हो जाए तो कोई चीज बाकी नहीं रहेगी, ना किताबें बाकी रहेंगी ना तुम बाकी रहोगे, यहां से चुपचाप निकल जाओ। मेरे दोस्तों एक स्पेनिश औरत, और ये उम्मीद की जाती है कि ये इसके आबाओ अजदाद मुसलमान थे, इसके आबा अजदाद मुसलमान थे, ईमान वाले थे, लेकिन वहां तब्दील कर दिए गए, सबके ईमानों को बदला दिया गया। तो ये औरत कहती है किताबें लेकर जाओ, चले जाओ अपनी बस्ती में जाओ, इस पर तहकीक करो। और बाकायदा वो आके तहकीक किए तो उसमें मेरे दोस्तों ऐसे ऐसे मालूमात हैं कि जो आम किताबों में नहीं मिलते। मेरे दोस्तों जब स्पेन में मुसलमानों को निकाला गया, मुसलमानों को धक्के दे के निकाला गया, तो उन लोगों ने मेरे दोस्तों सबसे पहले वहां की लाइब्रेरीज को चलाया। कहा जाता है 10 मिलियन किताबों को इन्होंने जलाया। कितने? 10 मिलियन किताबों को इन्होंने जलाया मेरे दोस्त, यानी लगभग 1 करोड़ किताबें
अल्लाह अकबर, कितना बड़ा सरमाया। देखिए 1 करोड़ किताबें, तो कितने सारे मालूमात इन्होंने जला दिए। अदना सा लफ्ज अगर अरबी के नजर आ जाए जला देते थे मेरे दोस्तों। इस तरीके से चाहते थे कि तारीख को टोटल बदला दिया जाए, इसीलिए किताबें जलाते थे। किताबें जलाने की जरूरत क्या थी, हो सकता अपने पास रखते, लेकिन जलाई इस वजह से कि खत्म हो जाए यहां से मुसलमान, उनकी तारीख खत्म हो जाए। लेकिन उनको नहीं मालूम कि ये दीन अल्लाह ने भेजा है, इसके पैरो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों हैं, उन्हें इतने आसानी से खत्म करना मुमकिन नहीं। स्पेन में उन्हें जलाया तो दूसरे ममलकत में उलमा थे, वहां पर इल्म की नशर इशात हुई, उनकी किताबों को दूसरे उलमा ने लाकर पहुंचाया, इल्म तो फैला। लेकिन गौर करने की बात यह है, इनकी अदावत देखिए मेरे दोस्तों, 1 करोड़ से ज्यादा किताबों को इन्होंने जलाया, 1 करोड़ से ज्यादा किताबों को। यह बहुत बड़ा सदमा है, गौर करने वालों को मालूम होगा। उसी तरीके से मेरे दोस्तों, अमेरिका के ताल्लुक से अनकरीब जो है एक फाइंड आउट किया गया, उसमें अमेरिका के पुराने आर्कियोलॉजिस्ट उन्होंने बाज इलाकों से ऐसे जो है चीजों को दरियाफ्त किए, ऐसे चीजें मिली, उसे उठाकर देखें तो उसमें अरबी में लिखा हुआ था। ऐसे टुकड़े मिले, पत्थर मिले, जिसे उठाकर देखा गया तो उसमें बाकायदा अरबी में कुरान की आयतें लिखी गई हैं, कूफी फॉन्ट में लिखी गई हैं। वो कूफी फॉन्ट जिसमें सहाबा ने कुरान लिखा था, वो फॉन्ट में वहां पर मेरे दोस्तों ये टुकड़ियां मिली, ये फ्रैगमेंट्स मिले, जिसे अमेरिका ने महफूज रखा है अपने पास। और उसके बाद मेरे दोस्तों, एक साहब हैं, यही मोहम्मद अलकत्तानी कहते हैं कि एक साहब क्यूबा का सफर किए, वहां पर जाके एक होटल में चाय पी रहे थे, तो होटल कदीम था, नजर इनके ऊपर पड़ी तो एक डिजाइन बनाया गया है। अब वो गौर से पढ़ने लगे तो इनको मालूम हुआ कि इसमें लिखा गया ला गालिबा इल्लल्लाह, इसमें लिखा गया है ला गालिबा इल्लल्लाह, अरबी लफ्ज़। ताज्जुब में हो गए, उन्होंने पूछा तो होटल वाले ने कहा कि ये हमारा कदीम डिजाइन है, ये हमारा कल्चर है, हमारा ट्रेडिशन है, हम इसी तरीके से डिजाइन बनाते हैं। और मजीद ये कहते हैं कि मैं वहां के बाज मसाजिद में देखा कि रेनोवेट किया गया है, लेकिन रेनोवेट में ला गालिबा इल्लल्लाह के इस कलीमे को इन्होंने अच्छी तरीके से रेनोवेट किया, कोई पढ़ना नहीं जानता, बल्कि वो उनका डिजाइन समझ रहे थे, एक कल्चर का हिस्सा समझ रहे थे। ये ताज्जुब में पड़ गए, और बाद में तहकीक करने पर मालूम हुई बात कि ला गालिबा इल्लल्लाह ये उन लोगों का स्लोगन है जिन्हें बनूल अहमर कहा जाता है। बनूल अहमर ये बास कबाइल के लोग हैं, अरबी हैं, जिन्होंने स्पेन के बास हिस्सों में हुकूमत की, तो उनका अशार उनके झंडों में, उनके कश्तियों में, उनके हथियारों में ला गालिबा इल्लल्लाह लिखते थे, ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि ये फुलान सल्तनत का हिस्सा है, ये फुलान खानदान के लोग इस्तेमाल करते हैं। तो वहां पर क्यूबा में मेरे दोस्तों ये ला गालिबा इल्लल्लाह हर जगह नजर आता है। तो कौन लाया इसे, पब्लिक को नहीं मालूम, अवाम को नहीं मालूम कि ला गालिबा इल्लल्लाह पढ़ना भी नहीं जानते, आखिर किसने इसे लाया, कैसे लाए गए। तो मेरे दोस्तों ये वो दलाइल हैं जिसे हमको अच्छी तरीके से मालूम हो जाना चाहिए कि मुसलमान इससे पहले पहुंच गए थे। उसके बाद एक बहुत बड़ा अमेरिकन है जिसका नाम गैविन मेंजियस, इसने किताब लिखी जिसका नाम हु डिस्कवर्ड अमेरिका। उसमें मेरे दोस्तों इसने ये कहा है कि अमेरिका को फतह करने वाले एक सीनी है, एक चाइना के रहने वाले चाइनीज है जिनका नाम जिंग ही है। आप जिंग ही की तारीख पढ़ते जाइए तो आपको फिर ताजुब करना पड़ेगा। ये जिंग ही मेरे दोस्तों इनका चाइनीज नाम था, ये असल में मुसलमान थे, इनका नाम हाजी मोहम्मद मसूद था, चाइना के रहने वाले थे। मेरे दोस्तों चाइना में मुसलमान बहुत ज्यादा हैं, हम नहीं जानते, चाइना में मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद है। अमरीका के जितने लोग हैं, अमरीका की जो स्ट्रेंथ है, जो कैपेसिटी है लोगों की, पब्लिक है, उतनी पब्लिक मुसलमान चाइना में रहती है। कहा जाता है कि अमेरिका में 270 मिलियन लोग रहते हैं, कैपेसिटी क्या है 270 मिलियन पॉपुलेशन है, 270 मिलियन और 280 मिलियन मुसलमान चाइना में रहते हैं। 280, आपकी बात बता रहा हूं, मैं पुरानी कदीम नहीं बात बता रहा हूं, आपकी बात बता रहा हूं, 280 मिलियन मुसलमान चाइना में रहते हैं। तो बहुत बड़ी तादाद है मुसलमानों की चाइना में, लेकिन ये कम्युनिस्टों ने इन्हें दबा रखा है, इन्हें खुल्लम खुल्ला इबादत करने की मौका नहीं मिलता। ऐसे बयानात आप बड़ी आसानी से अटेंड कर लेते हैं, दीनी मजालिस में आते हैं, बड़ी आसानी से तालीम हासिल कर लेते हैं। मेरे दोस्तों ये मुसलमान इतने बेचारे, इतने मायूस हैं कि ये खुल्लम खुल्ला दीनी कोई तकरीर नहीं सुन सकते,
मसाजिद भी इनके गिनी चुनी हैं, ना मुसलमानों का है, नमाज पढ़ना नहीं जानते, ला इलाहा इल्लल्लाह कलीमे से दूर हैं। वजह इसकी कि गवर्नमेंट इन्हें इतना सुकड़ रही है, इतना इन पर जुल्म कर रही है कि चाहती है कि ये लोग बेईमान हो जाएं, ईमान छोड़कर मुल्हिद बन जाएं, लेकिन यहां के मुसलमान इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बहरे हाल जैसी भी हालत हो, बचे कुछ हालत में अपना ईमान बाकी रखे हुए हैं मेरे दोस्तों, ईमान बाकी रखे हुए हैं। आप उसी कम्युनिस्ट के जो इलाके हैं, ये जो कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, ये ऐसे इलाके हैं, वहां के बास अफराद को मैंने मुलाकात किया। वो मदीने में आते जाते हैं, तो उनमें से एक बास अफराद को मैंने मुलाकात किया, तो साहब ने बड़े अजीब और गरीब किस्सा सुनाया। वो साहब ने बताया कि हमारे यहां दीनी मजालिस होती, लेकिन दीनी मजालिस में एक दूसरे को देखने का मौका नहीं मिलता। क्यों भाई, क्या वजह? कहते हैं कि बरमला हम लोग दीनी मजालिस में बैठ नहीं सकते, वजह ये कि हुकूमत की पाबंदी है। तो करते क्या है, रात के अंधेरियों में छुप छुप कर किसी शहर के बाहर किसी एक जगह जमा होते हैं, और पूरे तारीकी में अंधेरियों में आते और सब मिलके बैठते, कौन कह रहा है, कौन तकरीर कर रहा है, किसी को नहीं मालूम, और बातें सुनते और चुपके से रफू चक्कर हो जाते, गुम हो जाते शहर में। ये इस वजह से कि अगर कोई आदमी पकड़ लिया जाए तो किसी दूसरे को फंसाए नहीं, कोई पकड़ लिया जाए किसी दूसरे को फंसाए नहीं, इसलिए इस ढंग से मेरे दोस्तों दीनी तालीम हासिल करते हैं। तो हम जो अमन में हैं, जो चैन और सुकून में हैं मेरे दोस्तों, हमको ये चैन और सुकून के लिए अल्लाह के बारगाह में हजार मरतबा सजदा करना चाहिए, और साथ साथ ये भी जान लेना चाहिए कि चैन और सुकून आप समझते हैं कि हमेशा रहेगी, ये ऐसे ही रह जाएंगे? नहीं मेरे दोस्तों, आप देख रहे हैं आसार जाहिर हो रहे हैं कि दुश्मन कैसे ताकत में आ रहे हैं। हम मुसलमानों से शिर्क मजबूरी करवा रहे हैं, कहा जाता है कि आपको फुला नमस्कार करना ही है, फुला योगा आपको करना ही है, आप नहीं करेंगे तो आपको स्कूल में जगह नहीं, तुम्हें बेतालीम कर देंगे। जबरदस्ती शिर्क हमसे करवाया जाता है, जबरदस्ती एक दूसरे मजहब की इबादत हमसे करवाई जाती है। मेरे दोस्तों ये वो हालात है, गौर करना चाहिए। जहन आदमी, जहन रखने वाला बेदार होता है इस मौके पर, गौर व फिक्र करता है कि हालात की तब्दीलियां शुरू हो रही हैं, बेदार होना चाहिए। अभी गफलत में नहीं पड़ना है, अभी टूट टूट कर फिरकों में नहीं पड़ना है, इत्तिहाद पैदा करना चाहिए, ये एक दूसरे में मिले, अपने आपसी इख्तलाफात को दूर रखें। मेरे दोस्तों दुश्मन ताजा होते जा रहा है, तरवो ताजा चौकन्ना है, वो हमारे हर हरकत को नोट करता है। तो हम मुसलमान को चाहिए कि इन चीजों पर गौर करें, ये अमन हमेशा बाकी नहीं रहेगा मेरे दोस्तों। तो मैं ये साहब से मुलाकात करके बड़े ताज्जुब में पड़ गया, और हम जिस अमन में हैं इसके लिए अल्लाह ताला की मैंने तारीफ की कि हम बड़ी आसानी से आते हैं, सुनते हैं, जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों बहुत सारे ममलकतों में, चाइना में ऐसा नहीं है। तो हमारी बात मेरे दोस्तों हाजी मोहम्मद मसूद से निकली, ये वो साहब हैं गेविन मेंजिस की तहकीक के मुताबिक, ये वो कहते हैं कि कोलंबस से 70 साल पहले ये वो साहब हैं जिन्होंने अमेरिका में अपने निशानों को गाड़ा, अमेरिका में अपने कश्तियों को लाकर उतारा, अमेरिका की तहकीक के मुताबिक, जिसे जो है बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है, मोतबर प्रोफेसर है। ये कहते हैं कि चाइना वाले हैं सबसे पहले आए, लेकिन इनको ये नहीं मालूम कि ये भी मुसलमान थे, और इनको मालूम था कि वहां पर मुसलमान हैं, तो मुसलमान हुकूमत की इन्होंने जियारत की। और उसके बाद मेरे दोस्तों ये पहले आदमी हैं जो ऑस्ट्रेलिया का सफर किए, ऑस्ट्रेलिया का सफर किए। कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया को फाइंड आउट किया गया 1750 के बाद, 1750 के बाद, 1750 के बाद फाइंड आउट किया गया, जबकि ये उससे पहले है बाकायदा ऑस्ट्रेलिया गए, ये जेम्स कुक से पहले गए थे उधर, और उधर जाके उन्होंने अपने आसार छोड़े और सारी दुनिया का इन्होंने सैर किया, सारी दुनिया का इन्होंने सैर किया, हज किए, मक्का मदीना आए, बाकायदा हज किए, और वापस जाकर इन्होंने बहुत बड़ी किताब लिखी, और किताब में इन्होंने सब कुछ जिक्र किया, और अपने साथ ये जिराफी लेकर गए, अपने साथ जिराफी लेकर गए। सोमालिया में उतरे तो एक ऐसा जानवर देखे जिन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, चाइना की जमीन में जिराफी नहीं है मेरे दोस्तों, तो ये जानवर देखे तो बड़े ताज्जुब में पड़ गए, और बाकायदा इसे पकड़े, अपने कश्ती में चढ़ाए, और चाइना में सबसे पहला जिराफी गया उनके जमाने में, और चाइना वालों को बताया कि देखो सोमालिया एक बस्ती है, वहां पर ऐसे किस्म का भी जानवर रहता है ना मेरे दोस्तों। ये है हाजी मोहम्मद मसूद जो अमेरिका में कोलंबस से पहले चले गए, इनकी तहकीक के मुताबिक भी इससे पहले मेरे दोस्तों मुसलमान वहां पर पहुंच गए थे।
उसके बाद मेरे दोस्तों ये तमाम दलाइल आपने सुना, उसके अलावा एक मैप है। ये मैप मेरे दोस्तों किताबुल बहरिया के नाम से किताब लिखी गई, उसमें एक मैप को छुड़ाया गया। ये मैप ऐसा है कि जिसमें नॉर्थ अमेरिका का जिक्र है, साउथ अमेरिका का जिक्र है। सिर्फ नॉर्थ और साउथ अमेरिका नहीं मेरे दोस्तों, इसमें अंटार्कटिका का भी जिक्र है। अंटार्कटिका एक ऐसी जमीन है जिसे कहा जाता है कि 1820 में सबसे पहले ये जो है बस यूरोप कंट्रीज वाले गए, सबसे पहले उसे दरियाफत किया 1820 में। और ये जो किताब लिखी जा रही है किताबुल बहरिया, ये 1400 के आसपास की किताब है। और लिखने वाले ऐसा मैप पेश कर रहे हैं कि मैप में अंटार्कटिका का बाज हिस्सा आया है, बाज हिस्से का जिक्र करते हैं। और ये मैप मेरे दोस्तों लिखने वाले एक साहब का नाम है पीरी रईस। नाम क्या है? पीरी रईस। ये ऐसा मैप है जिसे सारे यूरोप वाले हैरान परेशान होकर पढ़ते हैं। ये कैसा कैसे मुमकिन है अंटार्कटिका को हमने अब दरियाफ्त किया, कैसे मुमकिन है पीरी रईस ने इसे दरियाफ्त कर लिया। मेरे दोस्तों ये पीरी रईस कौन है? ये कमाल रईस के भतीजे थे। ये कमाल रईस कौन है? जिनके ताल्लुक से आपने सुना बर्बरोसा, जिनके ताल्लुक से आपने सुना खैरुद्दीन अर्रूज बर्बरोसा जो थे, ये कमाल रईस के शागिर्दों में से थे। कमाल रईस बायजीद के जमाने के थे और इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी और इन्होंने अंदलुस के मुसलमानों को बचाया। और कमाल रईस वो आदमी है मेरे दोस्तों जिन्हें बायजीद ने, बल्कि सलीम अव्वल ने भेजा था हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान में जो पोर्चुगीज हमला कर रहे थे उन्हें इन्होंने बचाया। बहुत बड़ी तारीख है। तो ये पीरी रईस ने जो मैप बनाया ये यूरोप के लोगों को परेशान करता है। आज भी तहकीक करते हैं, कहते हैं कि अंटार्कटिका का जिक्र कैसे मुमकिन है। बहुत परेशान हुए तो आखिरकार एक फिरके वाले हैं अमेरिका के अंदर जिन्हें साइंटोलॉजी कहा जाता है। एक फिरके वाला, एक फिरका है, ये साइंटोलॉजी फिरका है। इसके पीछे कौन है मेरे दोस्तों? ये हॉलीवुड के पूरे एक्टर्स इसी से ताल्लुक रखते हैं। हॉलीवुड के एक्टर्स पूरे इसी से ताल्लुक रखते हैं। ये फिरके का अकीदा ये है कि आसमान में एक मखलूक रहती है जो मुसलमान इंसानों को मदद करती है। आसमान में, फजा में एक मखलूक रहती है, वो ऊपर से नीचे उतर आती है और आकर जमीन में सैरी करती है, कभी नुकसान पहुंचाती है कभी मदद करती है। इसीलिए आप सुनेंगे कि अचानक आसमान से एलियंस आए, लोगों के उठा के लेके चले गए। और इसी कॉन्सेप्ट को बढ़ाने के लिए, इसे और यकीनी तौर पर तब्दील करने के लिए फिल्म्स बनाए जाते हैं। और फिल्म्स में बताया जाता है कि आसमान से एलियंस आते हैं और लोगों को उचक ले जाते हैं। अचानक ही एक आदमी आया जो 2000 साल पुराना आदमी था, 3000 साल पुराना आदमी था, ये आसमान से आटपक पड़ा। मेरे दोस्तों फिल्मों का एक लंबा सिलसिला है जो ये लोग निकालते हैं। और हम ये समझते हैं कि ये लोग पागल है, है ना, पागल है क्या, ये अजीब और गरीब फिल्म्स निकालते हैं। और बड़े शौक से देखते हैं, ताजुब से देखते हैं, और ताजुब से देखने वाला ताजुब से देखते ही रहता है। और दिल में ये बात उतार देते हैं कि फजा में एक मखलूक है और साइंटोलॉजी का अकीदा खुद ब खुद दाखिल कर देते हैं, हमारे लोगों को मालूम नहीं। मेरे दोस्तों ये हॉलीवुड है, इसमें एक एक फिल्म के लिए कितना खर्च करते हैं मेरे दोस्तों? 500 करोड़, 1000 करोड़ फिल्म खर्च करके निकालते हैं। आप ये समझते ये लोग बेवकूफ है? ये लोग बेवकूफ नहीं है। ये लोग मेरे दोस्तों आपको बगैर इल्म दिए आपको अपना अकीदा समझा देते हैं, आपको खुद नहीं मालूम होता, आप उनके अकीदे के कायल हो जाते हैं। इसके पीछे कॉन्सेप्ट्स, इसके पीछे ऑर्गेनाइजेशंस, इसके पीछे तहरीकें, इसके पीछे जमातें काम कर रही हैं मेरे दोस्तों, ताकि लोगों के अकीदे खराब हो जाए। आपको नहीं मालूम यहूदियों के प्रोटोकॉल्स हैं, यहूदियों के प्रोटोकॉल से 24 उनका नंबर है। ये प्रोटोकॉल आप उठाकर देखेंगे तो आप दुनिया को साथ जोड़कर देखेंगे तो ये प्रोटोकॉल ही हो रहा है सब कुछ। प्रोटोकॉल्स में इन्होंने जो लिखा है उसी को अमली जामा पहना रहे हैं। वो थियरी था, प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। प्रोटोकॉल में इन्होंने सिर्फ ये कहा है, ये बुनियादी चीज है कि यहूदियों को छोड़ दिया जाए और बाकी के पूरे दुनिया के लोगों को जैसे चाहे खराब करें, जैसे चाहे खराब करें। अब खराब में क्या है? अकीदे की बिगाड़ है। मुख्तलिफ फिरकों को निकालते हैं और ये फिरकों की तरवीज मीडिया के जरिए से करते हैं, सीरियल्स के जरिए से करते हैं, कार्टून के जरिए से करते हैं, और उसके बाद किसके जरिए से करते हैं? फिल्मों के जरिए से करते हैं। ये जो आप देखते हैं होमोसेक्स, है ना, एक दूसरा मर्द मर्द शादी कर सकता है, औरत औरत शादी कर सकता है, इसे ये लोग इतना जोर क्यों देते हैं?
आप देखते हैं कि वक्तन फवक्तन एक मुल्क ऐलान करता है कि हम इसकी इजाजत देते हैं, है ना। यूरोप कंट्री पूरे मिलकर कहते हैं कि हमारे यहां यह जायज है। अब फिलहाल अमेरिका ने कहा, है ना। इससे आप देखते हैं कि हर मुल्क में और मजबूर किया जाता है कि आप इस कॉन्सेप्ट को माने। क्यों? बेवकूफ है वो लोग? नहीं, ये प्रोटोकॉल पे अमर हो रहा है। प्रोटोकॉल ये कहता है कि यहूदी फकत अच्छे रहे, सारे दुनिया के लोग जाए भाड़ में, सारे दुनिया के लोग जानवर बनकर फिरे। और जानवर कैसे बनाया जाए? ऐसे ही नहीं, उसके लिए प्रोग्राम्स हैं, उसके लिए किताबें लिखी गई हैं, अकीदा ईजाद करते हैं। और बेहाई जो आप देखते हैं, है ना, अदना से अदना चीज में भी औरत की फोटो, नंगी फोटो, क्यों? एक कॉन्सेप्ट काम कर रहा है मेरे दोस्तों। इसके पीछे सारा मीडिया लगा हुआ है, इसके लिए यूनिवर्सिटीज हैं, इसके लिए इंस्टीट्यूट्स हैं, और सब मिलके ये गंदे कॉन्सेप्ट फैला रहे हैं, और ये गंदे कॉन्सेप्ट प्रोटोकॉल में मौजूद हैं। यही हो रहा है, हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है। 100 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़ में फिल्में क्यों निकाली जाती हैं? ताकि लोगों के अकीदे बर्बाद हो जाए। अब क्या है, फिल्मों को पैसों से खरीदा जाता है, पैसों से अकीदा बिगाड़ा जाता है, पैसों से आदमी जलील बनता है। बहरहाल मेरे दोस्तों, तो ये साइंटोलॉजी वालों ने कहा कि पीरी रईस को ये मुमकिन नहीं था कि बनाते, उनके लिए ये मुमकिन नहीं था कि मैप वो बनाते। नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है? अंटार्कटिका एक मुद्दत तक आइस के तले था, अब इस मैप में बाकायदा उस जमीन की तरफ निशानदेही है, बिल्कुल वो साहिल बनाए गए हैं जो बाद में दरियाफ्त किए गए, 1850 के बाद दरियाफ्त किए गए। ये लोग कहते हैं ये मुमकिन ही नहीं, कहते हैं ये साइंटोलॉजी वालों ने ये पीरे रईस की मैप को पढ़ा, हम लोगों ने नहीं पढ़ा। ये किस वजह से पढ़े? ताकि अपना अकीदा साबित करें। वो ये कहते हैं पीरी रईस को बाकायदा ये आसमान के मखलूकात ने मदद की तो उन्होंने मैप बनाया, मदद की तो उन्होंने मैप बनाया। देखिए, पीरी रईस की मैप को किस लिए पढ़े? अपना अकीदा साबित करने के लिए। लेकिन हम मुसलमानों को नहीं मालूम कि पीरी रईस ने किताब लिखा जिसका नाम किताबुल बहरिया था, और उस किताब में उन्होंने जितने भी सफर किए पूरे सफर का जिक्र किया, और किताब के आखिरी में इन्होंने मैप पेश किया। अब ये मैप में मेरे दोस्तों आप देखेंगे, आप जाके नेट में मारिए पीरी रईस मैप, आप दिखाया जाएगा मैप, है ना। ये मैप आप देखिए, आपको नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा से लेके नीचे अंटार्कटिका तक, अंटार्कटिका मेरे दोस्तों आप दुनिया के कोई हिस्से में साउथ में निकल जाइए, समंदर है ना, आप सीधे चले जाइए अंटार्कटिका आ जाएगा, सीधे जाते रहिए। मुमकिन है कि आप नहीं पहुंचे, लेकिन पहुंच जाए तो अंटार्कटिका होगा, जमीन के नीचे अंटार्कटिका, जहां कहीं से आदमी निकल जाए अंटार्कटिका है। और सबसे करीब रास्ता अंटार्कटिका के लिए अर्जेंटीना से है, अर्जेंटीना आप निकले नीचे जाइए अंटार्कटिका करीब में पहुंच जाता है। तो वहां पर बाकायदा बाद में दरियाफ्त किया गया, लेकिन पीरी रईस ने 1500 में इसका जिक्र किया है, बाकायदा ऐसा मैप बनाया है कि होश हवास खत्म हो गए इन लोगों के। हम पीरी रईस नहीं जानते, अफसोस। पीरी रईस मेरे दोस्तों, इन्होंने इतना बड़ा काम किया, और ये वो आदमी है, ये मैप बना देने के बाद खलीफा सुलेमान अल कानूनी ने कहा कि नहीं नहीं, तुम्हारे जिहाद को तुम कंटिन्यू करो। ये आगे गए यमन में, इन्होंने मजबूत हार्बर बनाया, और हार्बर बना के ये रेड सी के अंदर ये पोर्चुगीज दाखिल ना हो, इसके लिए इन्होंने मजबूत सुतूने बनाई। क्यों रेड सी में दाखिल ना हो? किस वजह से? रेड सी में मेरे दोस्तों मक्का पड़ता है, रेड सी में मेरे दोस्तों मदीना पड़ता है, और ये जो पोर्चुगीज कब्र खोद के जिसमें मुबारक चुराने की कोशिश करते हैं, इसे यमन से रोक दिया जाए। तो यमन में बड़ा बंदरगाह बना, यही पीरी रईस है। ये पीरी रईस हिंदुस्तान भी आए मेरे दोस्तों, ये इंडोनेशिया भी गए, और जब ये वफात पा रहे थे इनकी उम्र 90 साल की थी, 90 साल में वफात पाए, इनके इतने सारे कारनामे, लेकिन अफसोस हम नहीं जानते, अफसोस हम नहीं जानते। तो इन्होंने मेरे दोस्तों कैसे लिखा, आखिर मैप सोल्यूशन क्या है इसे? तो सोल्यूशन ये है, अच्छी तरीके से जान लेना चाहिए, पीरी रईस अपने बस्ती गए थे, अर्जेंटीना हो या फिर उरुग्वे हो या फिर पुरुग्वे हो या फिर चिली हो, जो भी हो, ये मुसलमान इलाके थे, और उनको मालूम था कि यहां मुसलमान आबाद हैं, तो सारी दुनिया का सैर किए, तो इस इलाके में भी आए, और यहां पर जो मुसलमान थे जिन्होंने बाकायदा मदद की, और बाकायदा उनके जरिए से इन्होंने मालूमात हासिल किए, और बाकायदा इन्होंने ये मैप बनाया उनकी मदद के बाद, है ना। ये कोई आसमान की मखलूकात उन्हें मदद नहीं की, है ना। और हमारे उलमा इतने सादिक और सच्चे होते हैं कि अदना सा अदना मालूमा, अदना सा अदना इंफॉर्मेशन नकल करते हैं तो सोर्स बैन करते हैं, सोर्स बयान करते हैं कि भाई मैं कहां से लिया, मैंने इसे कहां देखा। ये सोर्स बयान करना ये रिसर्च का मेरे दोस्तों अहम हिस्सा है, और ये करने वाले हम मुसलमान हैं। तो मेरे दोस्तों ये थे पीरी रईस, जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया, हम तो भुला देते हैं, लेकिन आज के जो उर्दुगान हैं,
रजब तैयब उर्दुगान इन तमाम चीजों को जानते हैं, इसलिए इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कश्तियां बनाई, आर्मी कश्तियां बनाई। एक कश्ती का नाम इन्होंने रखा TCG पीरी रईस, एक कश्ती का नाम इन्होंने रखा TCG कमाल रईस, एक कश्ती का नाम रखा TCG उरुस रईस। ऐसे मेरे दोस्तों जितने जिनकी भी आपने तारीख सुनी, ये नाम से इन्होंने कश्तियां बनाकर छोड़ी है ताकि लोग पढ़े। तो मैं खुद भी जब पढ़ा TCG पीरी रईस का है तो हमारे लिए तहकीक का एक मौका मिलता है, क्यों भाई इनका नाम रखा गया, आखिर कौन है। तो तहकीक में जाते हैं, खोदते हुए जाते हैं, तो मेरे दोस्तों अनगिनत मालूमात मालूम होते हैं और ऐसे मालूमात के आदमी को हैरान कर देती है, अल्लाह अकबर। तो ये थे मेरे दोस्तों पीरे रईस, और उसके बाद ये वफात पा गए। वफात पाने से पहले जिहाद के मैदान में किताबें, दावत का काम, इस्लाही काम, जो है अंदलुस के मुसलमानों को इन्होंने बचाया, कितने कितने ने किया है देखिए। ये असल हीरोइन है, यही असल हीरोइन, इनका नाम याद रखिए, इनका नाम है पीरे रईस, पीरी रईस, असल नाम इनका मोहम्मद मुहिद्दीन पीरी है, लेकिन रईस ये मेरे दोस्तों टाइटल है, उस्मानी बादशाह देते हैं उन लोगों को जो नेवी फोर्स के बड़े होते हैं, नेवी फोर्स के बड़ों को टाइटल दिया जाता है रईस, तो इसलिए इनका नाम पीरी रईस पड़ा, और तारीख में मेरे दोस्तों इसी नाम से ये मशहूर हैं। तो ये यहां पर मेरे दोस्तों आपको अच्छी तरीके से मालूम हो गया कि मुसलमान की तारीख सारी दुनिया की तारीख है, मुसलमान की तारीख। इसके बाद आपके दिल में क्या ना हो, अदना बराबर भी शक ना हो, आप मैप में रैंडमली किसी आइलैंड को सेलेक्ट करें और कहिए कि हम मुसलमान आए हैं। इसके बाद ये तहकीक के बाद आपको मालूम हो जाना चाहिए कि मैप रख लीजिए, आप रैंडमली टच कीजिए कि किसी जगह, रैंडमली कोई नाम उठाइए, कहिए कि यहां पर मुसलमान आए हैं। अंटार्कटिका चले गए, अंटार्कटिका का मैप पेश कर दिए, तो नहीं गए होंगे मेरे दोस्त, जरूर गए हैं, जरूर गए हैं। ये मेरे दोस्तों जमीन की खोज इन्हें कुरान सिखाती है, अल्लाह कुल सीरू फिल अर्ध फंजुरु कैफ कान आकिबतुल मुकज्जिबीन, जमीन में घूमो, घूमते थे और अरब तबीयतन जमीन में घूमने वाले थे, तो इन्होंने बेहतरीन उमदा मिसालें बताई, सारी दुनिया को बताया कि इस्लामी तारीख ही वो तारीख है जो ये कहती है कि दुनिया की तारीख है, और इसमें ये चोरों, धोखेबाजों, मक्कारों, फरेबों की हकीकत जाहिर होती है कि ये हमेशा चाहते हैं कि अदना खूबी भी मुसलमानों की तरफ निस्बत ना करें। अब कौन से मुसलमानों के नाम जिक्र करते हैं जो बदतरीन अकीदे वाले होते हैं, इस्माइलिया शिया ऐसे होते हैं, तो उनका नाम जिक्र करते हैं ताकि लोग पढ़े तो मालूम हो जाए कि बातिनिया फिरके वाले हैं, वरना हकीकी उलमा अहले सुन्नत वल जमा के उलमा, सही मनहज में रहने वाले उलमा का जिक्र नहीं करते मेरे दोस्त। बहरहाल ये वाकया थे जिसे हमको मालूम हो गया कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बहुत कुशादा जहन दिया था, और मुसलमानों के जरिए से अल्लाह ताला ने सारी दुनिया की खिदमत की। मुसलमान वो हैं जो मुसलमानों की खिदमत करने से पहले इंसानियत की खिदमत की, दुनिया को तरक्की दी, है ना। बस से अपनी बात खत्म करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमने जो भी कहा, जो भी सुना है, इसके मुताबिक अमल करने की तौफीक बख्शे। अल्लाह ताला हमारे दिल में इल्म मजीद हासिल करने की और चौकन्ना होने की तौफीक बख्शे। इंशाल्लाह इसी तरीके से किसी एक बहुत बड़े आलिम के साथ इंशाल्लाह हम कल के मजलिस में मुलाकात करेंगे। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मअरूफ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.